हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? गाइस आज की जो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू, और गाइस किस स्कूटर का हम रिव्यू करने वाले वो भी मैं आपको बताता हूं। गाइस हम करने वाले हीरो डेस्टिनी 125 का। तो आज का जो रिव्यू होने वाला काफी मस्त होने वाला, क्योंकि इसमें आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको माइलेज से लेकर परफॉर्मेंस सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भैया से मिलाता हूं, जिनका हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। तो हेलो भैया, कैसे हैं? हेलो भाई, कैसे आप? बढ़िया। और गाइस कैसे आप सब लोग? तो पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वैभव है। अच्छा, और मैं यहीं घोड़ाखाल में रहता हूँ, नैनीताल के पास, एक प्यारा सा शहर है, छोटा सा। जी। तो गाइस ये है मेरी डेस्टिनी, हीरो डेस्टिनी। डैड्स गिफ्ट है ये। अच्छा, पापा ने गिफ्ट किया। आज 2 साल हो गए गाइस इसको। अच्छा, और किलोमीटर्स कितना रन कर दिया आपने? एक मिनट, चेक करना पड़ेगा। तो अभी जो दिखा रही है इट्स लाइक 7711 किलोमीटर, और जो इस ट्रिप का आया है वो है 530 के अराउंड किलोमीटर। तो भैया आपने मतलब जैसे स्टार्टिंग में ले रहे थे, जैसे आपने बताया पापा ने गिफ्ट किया था, तो डिसीजन तो आपका ही होगा कि आपने डेस्टिनी लेनी है। हाँ, एक्चुअली डिसीजन तो मेरा ही था, क्योंकि उस समय ये थोड़ी नई गाड़ी थी। हाँ हाँ। और यू नो उस समय BS6 नया स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। उसके पहले BS4 चलता था। जी जी जी। तो बस पसंद आ गई इसके लुक में। अच्छा, मतलब सिर्फ आपने इसको देखने गए थे, और भी देखे आपने और स्कूटर? और भी देखी थी। अच्छा, मेस्ट्रो भी देखी थी। एक्टिवा देखी होगी। एक्टिवा की देखी थी, लेकिन एक ना हल्का लुक अलग चाहिए था। अच्छा अच्छा। एक्टिवा हर किसके पास है लोग? हाँ, वो तो है। हर बंदे के पास एक्टिवा थी उस समय पे, 4G उस समय चल रही थी। और फिर उस समय जब नया नया देखा था, और इसमें एक जो टेक्नोलॉजी i3s टेक्नोलॉजी थी। हाँ, i3s आती है, हीरो की अपनी टेक्नोलॉजी है। हाँ, कुछ नया लगा सुनने में, कुछ नया दिखने में लगा। अच्छा, गए शोरूम में, पसंद आई, कलर भी अच्छा लगा। हाँ, इस वजह से फिर ये देखा। तो इसी में जैसे मेस्ट्रो भी आती है, हीरो की आती है, वो भी 125 में आती है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं गया आपका? नहीं, एक्चुअली शोरूम पे जब गए थे तो दो आमने सामने थी। अच्छा, पसंद मतलब पहली नजर में यही आई? कलर पसंद आया ना एक्चुअली में इसको बहुत। अच्छा अच्छा, यूनिक कलर है ना। जी जी, ग्रे में यूजुअली कलर दिखता नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो अभी के टाइम में आप इसमें माइलेज वगैरह कितना निकाल देते हैं? अभी तो 36 के अराउंड है। 36 के अराउंड, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, और क्या होता है यूजुअली घर के काम ही होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। ज्यादा लंबी ट्रिप तो होती नहीं है। हाँ हाँ। लोकल मार्केट जाना होता है, सामान वामान लाना होता है। जी, जी। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे गैप अच्छा है। हाँ, स्पेस वाइज तो खैर काफी बढ़िया है, काफी अच्छी है। और कमाल की बात ये है कि अगर आप जैसे यू नो आपकी कोई छोटी बहन है या मॉम है या डैड है जो यू नो हल्के चलते हैं, जबरदस्ती नहीं की तेज भगाना है रोडों में, यू नो छोटा नाक बनाना ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। अच्छा, तो मतलब आपने पर्पस किस हिसाब से ली, मतलब कॉलेज के लिए ली थी या नॉर्मल घर के यूजर्स के लिए ली थी? एक्चुअली ये दोनों ही काम आ रही है अभी तो। अच्छा। लेकिन जब सोचा था उस समय सिर्फ कॉलेज का था। अच्छा, कॉलेज का था, थोड़ा सा यू नो सही रहता है। ठीक है, यार कॉलेज के साथ घर के काम भी हो जाते हैं, और एक तो इजी टू हैंडल है। अच्छा, मेंटेनेंस भी लो है, इतना मेंटेनेंस लो। हां बिल्कुल, बस ये बात तो बढ़िया है। तो परफॉर्मेंस वाइज मतलब कैसे लगते हैं, इंजन से मतलब क्या रिलेटेड आता परफॉर्मेंस? इंजन से जब बात करें तो जो उसकी आवाज है सबसे पहले तो थोड़ी यूनिक है। हां, मतलब साइलेंट साउंड है, साइलेंट है। और कमाल की बात ये है ना कि जब स्टार्ट करते तो सीधा पिकअप तेज नहीं है। हाँ, थोड़ा हाँ। चलती है हल्का, जैसे आप लोग गाड़ी फर्स्ट गियर डालते हैं। हाँ, उस टाइप का है। अच्छा, मतलब स्लोली थोड़ा पिकअप लेती है, उसके बाद चलती है। अच्छा, और 3-4 लड़के तो आराम से आ जाते हैं, लंबी सीट है, लंबी सीट है, 3 तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज टाइम में हम लोग ऐसे चलते हैं। अच्छा, सबका यही रहता है, सबका यही रहता है। तो इसमें एक चीज बताइए, जैसे आप इसमें डिस्क नहीं आता ना इस वेरिएंट पे, मतलब डेस्टिनी में नहीं आता है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि आप ब्रेकिंग थोड़ी और अच्छी मिल सकती थी डिस्क में आपको? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं चलता हूँ गाड़ी तो मैं स्लो ही चलता हूँ। अच्छा, जबरदस्ती का नहीं कि भगानी है ये, ऐसा कुछ है। ठीक। और ऊपर से क्या है कि डिस्क जो होते हैं ना पहाड़ी रास्तों पे गर्म हो जाते हैं, जब न्यूट्रल आते नीचे को आते हो ना। हाँ। अब लगातार डिस्क मारते हैं तो क्या होता है कि डिस्क एक टाइम बाद काम नहीं करता, गर्म होता है, गर्म हो जाता है, इस वजह से मैं ड्रम नहीं थी। न्यूट्रल चलते हैं पहाड़ों में काफी देर बच जाता है, इस वजह से। सही सही। तो डिस्क में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती वैसे, मतलब जैसे चलाते हम भी डिस्क तो मतलब ब्रेक तो लगते ही है, मतलब? हाँ ऐसे लगते हैं, लेकिन अब थोड़ा डर भी आता है ना, झटके से कभी लग गया चला। अच्छा, तो मतलब ऐसे रहता है, डाउट आ गया था, डाउट आ जाता है। अच्छा, और यूजुअली ये घर में सभी चलाते हैं ना। अच्छा अच्छा, इस वजह से। तो मतलब सेफ्टी, मतलब ज्यादा डिस्क में रिस्क ना हो करके। तो i3s जैसे आपने बताया कि इसमें भी आपको अट्रैक्शन आया, तो इसका कितना यूज करते हैं आप? ये यूजुअली जब हम जाम में फंस जाते हैं, तो ये यूज होता है, ये यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बटन ऑन कीजिए, इसमें प्लग है, बस ब्रेक दबाई और स्टार्ट हो जाता है। तो पहाड़ों में कितना यूजफुल लगता है, जैसे ट्रैफिक के हिसाब से लिया था, हमारे यहाँ को तो ट्रैफिक के रूल्स मतलब वैसे वाले सिग्नल होते नहीं है, तो यहाँ कितना आपको प्रॉपर लगता है i3s का? हाँ, अब सही बताऊँ तो उतना यूज तो नहीं है पहाड़ों, उतना यूज नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कभी हम वैली वगैरह पे जाते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, कभी जैसे हमें हल्द्वानी जाना होता है यहाँ से। हाँ, तो वहाँ बहुत यूजफुल चीज। हाँ, तो इससे माइलेज में कुछ लगता है कि परफॉर्मेंस मतलब चेंज हो रहा है, क्योंकि माइलेज की वजह से ही दिया गया है कि माइलेज सेफ हो, थोड़ा सा माइलेज सेफ हो, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। हाँ,
इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा फ्यूल कंजेशन भी कम होता है। कम होता है तो आपको लगता है कि मतलब हाँ हेल्पफुल है ये चीज़? हाँ जी हेल्पफुल तो है। अच्छा बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट्स हैं इसके। और एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार मतलब आप कहीं घूमने गए हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको टो वगैरह करके ले जानी पड़े, बड़ी प्रॉब्लम? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी, दो सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा नॉर्मल बस है, नॉर्मल चल रही है, सही है, चल रही है बढ़िया रोड पे अभी। ठीक है, तो अभी इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है आपकी, किस प्राइस में आप करवाते हैं? एक्चुअली ये सब तो डैडी देखते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा ये थोड़ा अराउंड जो बैठता है 5000 बैठ जाता है सब, अगर आप चेंज करवाओ डिस्पैट वगैरह खर्चा। अच्छा टोटल ऑन खर्चा वॉशिंग के साथ। अच्छा अच्छा हर एक चीज करवा के। तो कभी ऐसा कोई बड़ा काम भी आया इंजन से रिलेटेड कि चेंज करवाना पड़ा हो? कुछ नहीं आया। अच्छा अभी कुछ नहीं आया ऐसा। और सर्विस वगैरह कितनी होगी आपकी? इसकी अराउंड 5 तो हो ही गई। 5 हो ही। तो कंपनी से कितनी मिली थी फ्री वाली जो मिलती है? 3 मिली थी। तो अभी शोरूम पे कंटिन्यू करते हो आप या बाहर से? अच्छा वहीं से होती है, अभी वहीं से होती है। अब तक लोकल में ऐसे गए नहीं गाड़ी। तो भैया जैसे आप जाते हैं हीरो के शोरूम में काम करवाने, तो उनका रिस्पांस क्या मिलता है आपको कि मतलब जो आप काम करते हैं प्रॉपर करते हैं या आपको थोड़ा सा निगलेक्ट वगैरह करते हैं? नहीं एक्चुअली इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। अच्छा आप जब भी जाइए आपको बड़ी तरीके से वेलकम करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो वो लेमन टी कर देते हैं ऑफर, यू नो ऑफर देते हैं हर जगह, वही होता है पहले तो। नहीं यूजुअली जैसे हम और ओनर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे होंडा का है या टीवीएस का है, तो उनके काफी अच्छे रिव्यूज नहीं मिलते हैं हमको। नहीं नहीं होंडा तो सही है। अच्छा आप पहले कस्टमर हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं कि मतलब अच्छा रिव्यू मिलता है, साइकिल ऑफर किया जाता है, किसी शोरूम में ऐसे नहीं करते। तो चलिए ये अच्छे अच्छी बात है हीरो की, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी चाहिए और यू नो उनकी जो फंक्शनलिटी वही बढ़िया है। ठीक ठीक मतलब बढ़िया लगता है आपको उनका? मेरे को सही लगता है सर। ठीक तो भैया जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि यार क्या अच्छाई है इसमें क्या बुराई है, मतलब कुछ पहले अच्छाई बता दीजिए इसकी। अच्छाई तो सर एक इजी टू हैंडल है पहली तो, सबसे बढ़िया है। ठीक घर पे कोई भी यूज कर सकता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है और मेंटेनेंस भी लो है। मेंटेनेंस लो है और यू नो इसकी सीट भी काफी लंबी है जैसे पहले बता चुका हूं। हाँ हाँ लंबी है तो आप आराम से 3-4 लड़के बैठ सकते हैं। ठीक और क्या बोलते हैं पेट्रोल का भार है। हाँ भार से तो ये तो अच्छी चीज है, दिक्कत नहीं। आप चाबी ऑन कीजिए और आराम से फ्यूल भर सकते हैं। आराम से फ्यूल पहले की तरह उठना नहीं पड़ता। हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें, प्रॉब्लम होती है। और साइलेंसर एक तो लुक्स अच्छे हैं इसके, ये चीज तो ये है। ठीक और अगर हम बात करें कि थोड़ा नेगेटिव में जाए तो थोड़ा कभी क्या होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों पर चढ़ाई बहुत होती है, बहुत, तो उस जगह पे ना कभी पिकअप नहीं, यू नो अच्छा उतना अच्छा एक्सेलरेशन नहीं आता है। अच्छा अच्छा एक चीज वो है और तो भी कुछ है नहीं इसमें इतना खास। अच्छा मतलब ये हीरो की हमने भी सुनी थी कि मेस्ट्रो में भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि पिकअप की उतनी अच्छी नहीं मिलती, अदरवाइज मतलब 125 cc में और ब्रांड्स का लें तो उसके अकॉर्डिंग मतलब टॉक वगैरह होती है। हाँ वो एकदम से पिकअप लेते हैं, बहुत बढ़िया पिकअप मिलता है। थोड़ा इसमें ये है लेकिन ये चीज बाद में सेफ्टी में काम आ जाती है। हाँ मिसयूज मान लो कि नेगेटिव पॉइंट है, वही इनको अच्छा ही बना देता है। अच्छा ही बना देता है। तो अब इसमें मतलब लोड वगैरह भी कैरी करते हैं, मतलब हैवी लोड वगैरह? अच्छा तो उसमें क्या बढ़िया गाड़ी है। अच्छा खींचते हुए ले जाती है उस टाइम, आराम से खींचते। तो इसमें एक फाइनल आंसर बता दीजिए, जैसे आपको हर मतलब इसको यूज कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कितना है इसमें, मतलब कितने सेटिस्फाई हैं आपसे? अगर मैं रेट करूं आउट ऑफ 10 तो 8.5। हाँ काफी अच्छी रेटिंग दी है फिर आपने इसको। थोड़ा सा ना हाँ हम जो लड़के होते हैं थोड़ा यू नो स्पोर्टी चाहिए होता है ना। हाँ, हाँ, के लिए। बिल्कुल उसके हिसाब से थोड़ा सा काटा है मैंने। तो इसमें एक चीज मैं और पूछूंगा, जैसे एंटॉर्क की तरफ जैसे कॉलेज के ले रहे थे तो एंटॉर्क बर्गमैन और इस टाइप की स्कूटर की तरफ नजर नहीं गई आपकी, थोड़ा स्पोर्टी लुक मिल जाए या भागने से थोड़ा और परफॉर्मेंस हाई मिल जाए? नहीं नहीं वो तो ठीक था लेकिन उस समय क्या था कि जो मार्केट हुआ था ना, हाँ हाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं हर किसी के पास वही है, एंटॉर्क या बर्गमैन हर कोई वही लेके भाग रहा है, तो मैंने को थोड़ा सा ना हटके चाहिए था। अच्छा इस वजह से मैं डेस्टिनी ली, डेस्टिनी की तरफ गए आप। तो अगर आप चाहते हो कि लुक अच्छा हो परफॉर्मेंस अच्छी हो और थोड़ा सा हटके लगे, हाँ इस वजह से मैंने ये ली थी। ठीक ठीक तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ओनर से रिव्यू में ओनर ने आपको सारी चीज़ें कंफर्म करके बता दी कि यार उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, किस वजह से ली उनने, पहाड़ों का क्या एक्सपीरियंस है, माइलेज क्या दे देती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी भैया का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है इस स्कूटर की तरफ, तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यार डेस्टिनी अगर आप डेस्टिनी लेना चाहते हैं आप तो आपके लिए कितनी बढ़िया है या नहीं है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो हम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता देंगे उस चीज़ का। बाकी यही था गाइस इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। मिलते हैं ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।